अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत नाल होसो और अपनी जिंदगी में सोना गुजारने की कोशिश भी करते हो। सो दोस्तों, आज की जी वीडियो है वह एक बड़े अफसोसनाक वाकये के हवाले नाल है। एक खबर गर्दिश भी कर दी है कल दी और वाकई वो खबर सच भी है। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसम जमील साहब की डैथ हो चुकी है जनाब, और अरसे दराज तो मरीज़ है जी, नफसियाती मरीज़ है, डिप्रेशन के मरीज है और उन्होंने इलाज पर चलता है। फैमिली ने अंत तक कोशिश की थी, ईवन के पिछले 6 महीने तो उन्होंने इलैक्ट्रिक शॉक्स भी लगते हैं फिर ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जो खुदा नु मंजूर वो अपने घर के बाहर घर च अकेले है और बाहर गार्ड मौजूद है, उसको उन्होंने बंदूक ली है और बंदूक ला लैके उन्होंने अपने आप को फायर कर लिया। बहरहाल इस वक्त सोशल मीडिया के उत्ते जो तूफानी बदतमीजी है, जो कि ये साढ़ा एक कौमी मैं समझदा कि एक आदत बन गई है, फितरत बन गई है कि कोई भी मामला हुआ उसके उत्ते त्रै त्रै चार चार वजूहत बयान की वजह मुख्तलिफ यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपनी अपनी वजूहत के लै आवेदन बगैर तहकीक किए। तो इस वास्ते गुजारिश ये है कि अगर किसी के दुख तुम शरीक ना हो सकते तो उसका मजाक में मत उड़ाओ। मौलाना तारिक जमील साहब एक दर्द दिल रखने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले बंदे, अल्लाह पाक उन्होंने सबरे जमील अता फरमावे, उन्होंने इस्लाम वास्ते और मुसलमानों वास्ते बड़ी खिदमात है, अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे और उन्होंने फैमिली और खानदान सबरे जमील अता फरमा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।